कोरोना कारण जिथे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बीमार है उथे एक राहत वाली खबर ए सामने आई है कि गूगल भारत दे विच गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड दे तहत 10 अरब डॉलर भाव की 75,200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। राशि भारत दे विच डिजिटल तब्दीलियां लियाउण दे लई खर्ची जाएगी। गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड कंपनी दे सीईओ सुंदर पिचई ने दस्या कि नवा कदम कंपनी वालों भारत दे भविख विच जताए भरोसे नाल जोड़िया होया है। उन्होंने कहा कि चार अहम खेत्रां उते ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हरेक पार्टी नूं उसकी भाषा दे विच सूचना ते पहुंच मुहैया करवानी यकीनी बनाई जाएगी। भारत दीआं लोड़ां दे हिसाब दे नाल नवे प्रोडक्ट ते सेवावां लॉन्च कीतियां जाणगीआं। कारोबारां नूं डिजिटल तब्दीली लिया के मजबूती प्रदान की जाएगी। समाजिक पद्धर ते बेहतर बदल मुहैया करवाउण दे लई तकनीक दी वरतों वध तों वध की जाएगी। सेहत विद्या ते खेतीबाड़ी सैक्टरां उत्ते ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुंदर पिचई दे नाल गलबात की है ते दोवां ने भारतीय किसानां ते नौजवानां दीआं जिंदगियां दे विच तब्दीली लियाउण जिहे मुद्दिआं उत्ते विचार चर्चा की। गूगल वालों इन्ने वड्डे निवेश नूं लैके हर किसी के मन दे विच इस सवाल उठ रहा है कि आखिर कंपनी इन्ना पैसा खर्च कित्थे करेगी। पर हैरान होने वाली गल नहीं, इस तो पहला भी कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारत दे विच निवेश नूं लैके दिलचस्पी विखा चुकियां हन। जिवें पिछले दिन ही अमेज़न ने भारत दे विच 1 अरब डॉलर का निवेश करन दी घोषणा की सी। जिस तों बाद फेसबुक ने जियो रिलायंस दे विच 5.7 अरब डॉलर लियाउण दा ऐलान किया। इसका सब तो वड्डा कारण सामने आया भारत का बदलता बाजार। जदों तो मोदी भारत नूं डिजिटल बनाउण लई लगे हन उदों तो बाहरी कंपनियां भी इस विच दिलचस्पी दिखाउण लग गईआं हन। डिजिटल क्रांति तो बाद भारत बदल रहा है। भारत दे हर घर विच आईफोन बहुत वड्डे बदलाव का इशारा करदे हन। इसे बदलाव का फायदा बारी कंपनियां चुकना चाहुंदियां हन। आने वाले समय विच सस्ते फोन ते नेटपैक कारण तकरीबन पूरे भारत दे लोकां दे हत्थां विच फोन होणगे। दूजे पासे विख्या जावे तां गूगल सर्च इंजन दे नाल नाल मनोरंजन तो लैके हर ई कॉमर्स तक दी सुविधा उपलब्ध करवाउंदी है, जिस नाल भारत इंटरनेट सुपर मार्केट बन चुकिया है। दूजे पासे वेख्या जावे तां गूगल या होर कंपनियां दे भारत आउण दा ए वी वड्डा कारण है कि इत्थे डाटा आसानी नाल इकट्ठा कीता जा सकदा है। गूगल वर्गिया कंपनियां दा भारत विच निवेश करन दा एक होर वड्डा कारण ए वी कहा जा रहा है कि ओ भारत नूं सिर्फ बाजार ही नहीं मानदी जिथों उसने पैसा कमाउणा है, बल्कि ओ ए दिखाउणा चाहुंदे हन कि ओ भारत दे फायदे लई निवेश कर रहे हन। एक दूजे दी देखा देखी भी ये कंपनियां निवेश इसलिए करदियां हन ताकि सरकारी प्रोजेक्ट्स दे फायदे भी ओ ले सकन। गूगल डिजिटल सर्विस देने वाली कंपनियां ते टैक्स लगाउण वाली गल भी चारे पासे फैल गई है, क्योंकि ये कंपनियां सर्च ते विज्ञापनां तो काफी कमाई करदियां हन। इसलिए जानकारां अनुसार ए वी भारत विच निवेश करन दा एक वड्डा कारण हो सकता है। दूजे पासे एक अखबार नूं दित्ती इंटरव्यू दे विच सुंदर पिचई ने इह साफ नहीं कीता कि ओह इत्थे निवेश करनगे, पर इस दे बावजूद उन्हां ने कहा कि ओह किसे खास कंपनियां ते टिप्पणी नहीं करना चाहुंदे। पर डिजिटलाइजेशन फंड दे आकार नूं वेखदे होए सिद्धे तौर ते वड्डे निवेश ते उन्हां दा फोकस रहेगा। इस दे नाल ही उन्हां ने कहा कि समाजिक भलाई, सेहत सुविधावां ते सिक्ख्या दे नाल भारत विच हड़ दी स्थिति ते वी कम कीता जाएगा। उन्हां कहा कि हर पार्टी नूं अपनी भाषा दे विच सस्ती पहुंच ते जानकारी प्राप्त करन दे लई योग बनाउणा, भारत दीआं विलक्खण लोड़ां लई नवें उत्पादां ते सेवावां नूं सिरजणा, कारोबारां दा सशक्तिकरण करना गूगल दी तरजीह है। तुसीं डिजिटल तब्दीली दे जरिए सेहत संभाल, सिक्ख्या ते खेतीबाड़ी वर्गे समाजिक खेत्रां लई टेक्नोलॉजी अते आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी दे लाभ लै सकते हो। पिचई ने कहा कि ताज़ा कदम भारत दे भविख अते इस दी डिजिटल आर्थिकता विच कंपनी दा विश्वास दा प्रतिबिंब है। दूजे पासे एशिया दे सब तो अमीर मुकेश अंबानी दे जियो प्लेटफॉर्म दे विच सोशल मीडिया दी दिग्गज गूगल 33,737 करोड़ रुपए दा निवेश करके 7.7% हिस्सेदारी लवेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज दे चेयरमैन ते प्रबंध निर्देशक अंबानी ने कंपनी दी 43वीं सालाना आम बैठक दे विच बुधवार नूं इसदा ऐलान कीता। अंबानी ने 5G सोल्यूशन विकसित करन दा ऐलान करदे होए इस नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी दूर अंदेशी नूं समर्पित कीता। उन्हां कहा कि कंपनी दा पूंजी जुटाउण दा मकसद पूरा होया है। जियो राइट इशू ते बीपी नूं मिला के कुल 2,12,809 करोड़ रुपए दी राशि जुटाई गई है। जियो प्लेटफॉर्म दे विच निवेश दा सिलसिला सोशल मीडिया दी ही एक होर प्रसिद्ध फेसबुक दे नाल 22 अप्रैल नूं शुरू होया सी। इस तों बाद जियो प्लेटफॉर्म दे विच 25.24% इक्विटी अते 12 निवेशकां दे 13 निवेशक प्रस्तावां दे नाल 11,83,018.45 करोड़ रुपए दा निवेश
आ चुका है। अति गूगल नु मिला के 32.94% लई कुल निवेशक 1,521,55.45 करोड़ रुपए हो गया। फेसबुक तो बाद गूगल दा दूसरा सब तो ज्यादा राशि दा निवेश है। इस नाल एक पहलू ए भी सामने है कि चीनी कंपनी दे बंद होने तो बाद गूगल दा ए ऐलान काफी महत्वपूर्ण मन्या जा रहा है। कल जेकर सिक्ख्या दे खेतर दी कीती जावे तो गूगल ने CBSE दे माध्यम दे नाल इस साल दे अंत तक 22,000 स्कूलां दे 10,00,000 अध्यापकां नूं सिखलाई देण दी योजना बनाई है। इन्ना ही नहीं, देश दे 2.6 करोड़ कारोबारियां नूं गूगल दे सर्च इंजन दे नाल जोड़ के उन्हां दी मदद भी कीती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अजीत वेब टीवी। वधेरे खबरां दे लई तुसीं बने रहो अजीत वेब टीवी दे नाल। देश दुनिया ते कोरोना महामारी दा असर, इस जरूरी है कि तुहानू मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर। अजीत वेब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर। पिंड कस्बा शहर होवे या देश विदेश, असी जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राही। कलम दी ताकत ते वेब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज। हर आमो खास ते हकूमत नूं भी करांगे सवाल जवाब। आप नहीं तां पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल। अफवाहां तों बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वेब टीवी दे नाल।